कुंडी वालों क्या हाल है तारे बोलो ऐसे रो के नहीं बोलते हंस के बोलो अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं आज बताओ जल्दी से स्कूल में क्या है आज फंक्शन नहीं है आज स्कूल में इसकी पीटीएम पहली पीटीएम और एक फादरहुड ना मैं आज आपको बताऊंगा क्या होता है एक फादरहुड चलें आप कैसे लग रहे हो पहले दिखा तो दो कैसे लग रहे हो पीछे होके दिखाओ पीछे होके हीरो की तरह खड़े हो कैसे खड़े होते हो आप ओ बॉडी तो आज है इसकी पीटीएम जैसा कि मैंने बताया और लेट हो गए ना तक्षम कितना लेट हो गए बहुत सारा थोड़ा सा शर्मा रहा है क्योंकि इसने चश्मा लगाया तो हम ऑलरेडी 5-10 मिनट लेट हैं और एक फादरहुड जो होता है ना फादरहुड एक बड़ी प्यारी चीज है जो शायद हर एक फादर के लिए स्पेशल चीज होती है जब पहली बार मैंने तक्षु को गोदी लिया था वो दिन था जो लाइफ चेंज होने लगी बहुत सारी चीजें चेंज होने लगी अपने बारे में कम सोचने लगा उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगा अपना फ्यूचर कम उसका फ्यूचर ज़्यादा और एक स्पेशल सी फीलिंग होती है फादर ये है उसकी मम्मा उसको 10 बार आई लव यू बोलती है पापा आई लव यू नहीं बोलते पापा कभी प्यार को जाहिर नहीं करते पापा सिर्फ स्ट्रगल में रहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे हम अच्छी परवरिश दे सके कैसे हम मैक्सिमम फैसिलिटी दे सके मेरे फादर जो मेरा बचपन था मेरे फादर ने जितना किया मैक्सिमम किया अपने हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना हो तो उसके लिए मैं रोज़ स्ट्रगल करता हूँ रोज़ मेहनत करता हूँ और मेरे लिए बहुत स्पेशल सी चीज़ है वैसे तो लाइफ में हर एक पार्ट को इन्जॉय करना चाहिए आप भी इन्जॉय करो तो हम इतनी सीरियस बात क्यों कर रहे हैं मतलब बचपन को जवानी को फादरहुड टाइम को बुढ़ापे को बस अपने बच्चे पे प्रेशर मत डालो ये सोच के उसके लिए काम मत करो कि फ्यूचर में वो आपको सपोर्ट करे या आपके लिए कुछ करे आप बस उसको अपना दिल से प्यार दो बाकी आपकी किस्मत और उसके ऊपर की बात है कि वो कैसे आपके साथ रहेगा कैसे नहीं रहेगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलते हैं स्कूल और जानते हैं तक्ष ने कितनी शरारत की है और क्या किया है अगर मैम ने आपकी तारीफ करी ना स्कूल में तो फिर आपको स्कूल से आते हुए क्या मिलेगा कितनी प्यारी बहुत प्यारी अच्छा तो स्कूल में आपने कल कौन सा डांस किया था थोड़ा सा करके तो दिखा दो इसकी सीडी भी अच्छा थोड़ा सा डांस करके दिखा दो कल जो किया था स्कूल में ये ऐसे कौन सा डांस था भू, 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 भू। तो स्कूल तो हम आप लोगों को नहीं दिखाएंगे आज तक्ष का प्लेस स्कूल खत्म हो जाएगा और तक्ष जाएगा नेक्स्ट क्लास में और ये पहली पीटीएम है मेरी तो मतलब थोड़ा सा कहते हैं घबराहट हो रही है स्कूल जाते वक्त जैसे होती है वैसे ही और तक्ष की अगर आपकी मैम ने आपकी कोई शिकायत नहीं करी ना तो आपको गिफ्ट मिलेगा ठीक है चले ये स्कूल में अलग है घर पे अलग है ऐसा क्यों है ये अभी इतना शरीफ हो जाता है जब यहाँ पे आता है ओके तो इसकी इसकी शिकायतें बताओ शिकायत तो है मेरे पास तो है मैम के पास बोलते हैं मेरे पापा ने मना करा इडली सांभर नहीं खाना क्या नहीं खाना इडली सांभर नहीं खाना अच्छा मेरे पापा ने बोला है कि खिचड़ी नहीं खानी मेरे पापा ने बोला है दलिया नहीं खाना बस पराठा खाना बस पराठा खाना अभी भी ये मेरे को ये बोल रहा था कि मुझे ना स्कूल नहीं जाना मुझे ना दलिया मिलेगा दलिया की जगह मैम दीपिका मैम से भी तो मिलो अच्छा बनेगा
ये तो बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे हैं। तक्ष कहाँ पे लिखा है? ढूंढो ढूंढो बिहान तीर्थ कहाँ है कहाँ है कहाँ है तक्ष कहाँ है? अरे अरे ये किसका नाम है? ये ले लो, उठा लो इसको, अच्छे से उठाओ, चलो लेके। और मिस तो करना ही नहीं, आप तो यही कंटिन्यू कर रहे हो, मुझे आपको मिलेगी, है ना? चलो आ जाओ। तो तक्ष की एक भी शिकायत नहीं मिली और अब तक्ष को ट्रेन देनी पड़ेगी। अभी तो दुकान बंद थी तो हम शाम को लाएंगे पापा ट्रेन, ठीक है? फिर आप मेरे को क्या बोलोगे मैं ट्रेन लाऊंगा तो? थैंक यू। तो फाइनली घर आ गए। स्कूल से क्या क्या मिला है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है, वो सारी मैं दिखाता हूँ, स्कूल का नाम छुपा के, क्योंकि वो बताना ठीक नहीं है। और कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाता हूँ आपको जो स्कूल से मिली हैं हमें। बाकी अपना तक्ष बहुत इंटेलिजेंट है और कोई भी कमी नहीं बताई गई है उसमें, तो दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो आप रिपोर्ट कार्ड तक्ष की, और नीचे लिखा ही इज अ इंटेलिजेंट चाइल्ड, परफॉर्म वेल इन ऑल एस्पेक्ट, ही इज अ गुड डांसर, ऑल द बेस्ट। और सभी में देखो आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, शेप्स कलर फ्रूट वेजिटेबल ये सब इसको पहले से ही आते थे, लैंग्वेज एवरीथिंग। तो ये देख के बड़ी अच्छी खुशी मिली है। ये उसका रिपोर्ट कार्ड है अपना प्ले स्कूल का। ये तक्ष की फोटो है, अभी उनके स्कूल में फंक्शन हुआ था तो सरदार जी बना था। और ये होली की फोटो है, ये रहा, देखो कितना क्यूट लग रहा है, सुपर। ये देखो इसने डांस किया था उस गाने पे, दिल लेना दिल देना सौदा खरा कर, आपको दिखाता हूँ इसकी। और ये क्रिसमस, ये रहा, देखो कैसे ये अजीब मुंह बना रखा है इसने, क्रिसमस की फोटो। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स मिली। तो व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आया हो, रिलेटेबल हो तो प्लीज़ शेयर करें, जितना हो सके मैक्सिमम सपोर्ट दिखाएं। लव यू ऑल, बाय।